हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल एसटी प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के समय में सभी के लिए स्मार्टफोन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भले ही लोगों के हाथ में घड़ी ना हो, लेकिन उनके हाथ में स्मार्टफोन जरूर होता है। स्मार्टफोन के लिए अब दुनिया भर की ऐप आ गई है। मैसेंजर ऐप, वीडियो, फोटो एडिटिंग, म्यूजिक ऐप और एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपने अपने फोन में इंस्टॉल की होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत सारी ऐप्स को कंटिन्यू यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी बैटरी जल्दी खत्म होती होगी और स्मार्टफोन की चार्जिंग खत्म होने से काफी परेशानी होती है। अब ये हम सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन की बैटरी चार्ज होने में 1 से 1.5 घंटा का समय तो लगता ही है। हालांकि अब स्मार्टफोन फास्ट चार्जिंग के साथ भी आने लगे हैं, लेकिन सभी स्मार्टफोन्स पर ये तकनीक अभी नहीं आई है। जरा सोचिए कि अगर आपको कहीं जाना हो, आपका फोन चार्ज ना हो, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में स्मार्टफोन यूजर्स कुछ आम बातों का ख्याल रखेंगे तो उनके फोन को जल्दी चार्ज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को कम से कम समय में सुपर फास्ट तरीके से चार्ज कर पाएंगे। तो फ्रेंड, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए और आपसे एक रिक्वेस्ट भी लेता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल एसटी प्रोडक्शन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के नीचे एक लाल से सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल एसटी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खैर, इस बात को छोड़िए, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं और अपने फोन को जल्दी से चार्ज करना चाहते हैं तो आपको मैं इस वीडियो में दो तरीके बताने जा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपने फोन को कुछ ही मिनटों में चार्ज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहला तरीका है वो है फोन को स्विच ऑफ करके चार्ज करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने फोन को जल्द से जल्द चार्ज करना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए फोन ऑफ करके चार्जिंग पर लगा सकते हैं। ऐसे में आपके फोन पर आ रही नोटिफिकेशंस, कॉल्स और जो भी एप्स चल रही होंगी वो उतने समय के लिए बंद हो जाएगी जितने समय में आपने अपना फोन स्विच ऑफ रखा है। तो इस बात इससे ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका फोन है वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा और आप कहीं जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना होगा और आपका फोन पूरा 100% चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक तरीका। और दूसरा तरीका है जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एयरप्लेन मोड पर डालकर भी अपने फोन को चार्ज करते हैं तो इससे भी जो आपका फोन है वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए है क्योंकि इसके इस्तेमाल से आप जैसे आप एरोप्लेन पर जाते हैं तो एयरप्लेन मोड उसके लिए स्पेशली बना होता है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एयरप्लेन मोड में रखते हैं तो इससे सभी एप्स और आपकी सिम जितनी भी होती हैं वो सारी डीएक्टिवेट हो जाती है और सिम से रिलेटेड जो भी काम आपके फोन पर होता है जिससे आपकी बैटरी ज्यादा से ज्यादा यूज होती है वो सारा बंद हो जाता है। तो नेचुरल सी बात है कि जब भी आप एरोप्लेन मोड पर रखकर अपने फोन को चार्ज करते हैं तो वो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो दो तरीके थे ये थोड़े कॉमन नहीं थे, इसे बहुत कम लोग जानते हैं। और वैसे ही आप जैसे अपनी सभी बैकग्राउंड जो आपकी एप्स चल रही हैं उनको बंद करके भी आप फोन को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपने फोन को जल्दी से जल्दी चार्ज कर पाएंगे और स्पेशली ये तभी काम आएगा जब आप अपने फोन को पूरी तरह से स्विच ऑफ करेंगे और इससे सभी नोटिफिकेशन जो आएगी वो बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस, टेक वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एसटी प्रोडक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप जानते ही हैं कि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूंगा उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।